They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently able. Assalamu alaikum everyone, welcome to SRS. I'm your host and host Syed Rizwan Shah, motivational speaker, commissioner, freelancer, blogger and scholar. I welcome you to our interesting video. और आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर. जी हाँ, हमारे इस पाकिस्तान में बहुत प्यारे से और बहुत नन्हे मुन्ने बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स बढ़ चुके हैं. तो आज हम उनमें से सिलेक्टिव मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनकी मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन ने किन किन की जिंदगियों को तब्दील कर दिया. उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बने, लेकिन कैसे बने. अक्सर मुझसे भी ये सवाल किए गए हैं, तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ. सबसे पहले आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना क्यों चाहते हैं. उसके बाद आप में ये करेक्टर होना चाहिए, आप में नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ आप में पेशेंस होना चाहिए. और उसके साथ साथ आप सक्सेस, आपने सक्सेस को डीपली देखा हो, आपने सक्सेस को डीपली समझा हो, फिर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने में कोई रुकावट या फिर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आप बन जाएंगे 100% जेन्युइन मोटिवेशनल स्पीकर. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नंबर वन हमारी जो लिस्ट है आज की उसमें है सर कासिम अली शाह साहब. तीन मैडम और जिनकी मोटिवेशन से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं. आपने सोशल मीडिया पे भी सर के बहुत सारे सेशंस देखे होंगे. बाद दूसरे नंबर पर है मुनीबा मिर्जा. ये भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पाकिस्तान की हैं, लेकिन इनकी जो हार्ट टचिंग स्टोरी मैंने सुनी ना, उसके बाद मुझे बिल्कुल बिलीव हो गया कि यार इससे बढ़कर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो ही नहीं सकती. उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर जो है हम्माद साफी, एक नन्हा प्रोफेसर है और इतनी छोटी सी उम्र में वो प्रोफेसर भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, राइटर भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और साथ साथ ढेर सारी उनमें जो है क्वालिटीज समाई हुई हैं. रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे सेशन के दौरान एक स्टूडेंट ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा, क्या आप मुझे ये बताएं कि हम डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं अपनी करियर के लिए. उसके बाद हमारे साथ फिर से नन्ना सा मोटिवेशनल स्पीकर महद मलिक. ये भी एक अच्छा सा मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है. उसके बाद अब्दुल्ला सामीन, ये भी बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है. और उसके साथ ये कुछ पांच मोटिवेशनल स्पीकर्स थे जो हमारे पाकिस्तान के आज के ट्रेनिंग मोटिवेशनल स्पीकर साबित हो रहे हैं. और उसके साथ साथ आप, अब मैं बताता चलूँ कि मैं किस मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा मुतासर हुआ, किस की इंस्पिरेशन से मैं इंस्पायर हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे हूँ. तो ज़्यादातर मैं सर कासिम अली शाह साहब की वीडियोस नहीं देखता, मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी को. और संदीप सर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ. उनकी सारी जो मोटिवेशन थी उसने मुझे जो है ना एनर्जी दे दी. पता है
कि आप क्या मानते हैं, और उसमें मैं बहुत पावरफुल अपने आप को फील करने लगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, और आपके सामने तो क्या, पूरी दुनिया के सामने ईजली बोल सकता हूँ। ये थी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें, और अगर आप भी बनना चाहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर तो आज से ही अपने विजन को स्टार्ट कर दें और बन जाएं मोटिवेशनल स्पीकर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान एंड पाक आर्मी, जिंदाबाद।